Hello students we are discussing chapter 3 atoms and molecules in the last video we discussed on how to calculate molecular mass now today we will discuss on how to find out percentage composition of a compound percentage comp composition of a compound is the relative mass of each constituents element in the 100 parts of its mass ठीक है जो परसेंटेज कंपोजिशन uh, है आपकी किसी भी कंपाउंड की वो क्या है जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है ठीक है हम क्या है फॉर एग्जांपल आपके पास एच टू ओ है ठीक है तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है अगर हमने पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है जो रिलेटिव मास है आपके आपका ठीक है कंस्टिट्यूएंट्स का ठीक है ईच कंस्टिचुएंट्स मतलब अगर हमने हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मास ठीक है इन दैट कंपाउंड ठीक है एलिमेंट्स इन हंड्रेड पार्ट्स ऑफ इट्स मास और टोटल क्या है जो मोलर मास होगा इस कंपाउंड का उससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है ठीक है और मल्टीप्लाई इनटू हंड्रेड तो ये आपके पास क्या आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट ठीक है सिमिलरली अगर आपने एच टू ओ में ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ठीक है mass, जो एलिमेंट्स आपका प्रेजेंट है अपॉन मोलर मास जो टोटल जो एलिमेंट्स का सम है ठीक है मास है कि हमें पता है कि मॉलिकुलर मास जो हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी मॉलिकुल्स का वो क्या है जो जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रजेंट है कंपाउंड्स में उनको क्या है एडअप कर देना उनके मासेस को ठीक है तो वो क्या है आपका मोलर मास ठीक है तो ऑक्सीजन का भी सिमिलर हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जो आपका मास प्रेजेंट है एच टू में अपॉन मोलर मास ऑफ एच टू ओ ठीक है इन टू हंड्रेड ठीक है तो इस टाइप से हम क्या है परसेंटेज uh, कंपोजिशन uh, जो है किसी भी एलिमेंट्स की फाइंड आउट करते हैं ठीक है परसेंटेज कंपोजिशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोलिकूलर मास बाय डिवाइडिंग द सिंगल एलिमेंट इन वन मोल ऑफ द कंपाउंड बाय द मास ठीक है तो सिमिलरली अगर हम बात करें एच टू ओ मॉलिक्यूल्स की एच टू एस ओ फोर ठीक है तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है हमने फाइंड आउट करनी है ठीक है हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ठीक है तो हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ठीक है मोलर मास मोलर मास किसका एच टू एस ओ फोर का ठीक है और मास ऑफ हाइड्रोजन जो आपके इस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका मास ठीक है तो यहाँ पे जो मोलर मास है पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ठीक है तो मोलर मास किसका एच टू एस ओ फोर का एच टू एस ओ फोर अब देखो टू आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है वन आपका सल्फर है फोर आपके क्या है ऑक्सीजन आइटम है ठीक है अगर हम मास देखिए हाइड्रोजन का वन होता है सल्फर का थर्टी टू होता है और फोर uh, आपका फोर uh, आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन का क्या है सिक्सटीन होता है ठीक है और ये किससे डिनोट करते हैं यू से क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट हम किससे डिनोट करते हैं यू से ठीक है तो ये आपका थर्टी फोर प्लस सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर ठीक है तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा थर्टी फोर प्लस सिक्सटी फोर आपके पास नाइन्टी एट यू ठीक है तो ये आ जाएगा टोटल मोलर मास मोलर मास ऑफ एस टू एस यू फोर ठीक है नाइन्टी एट यू ठीक है अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है टू ठीक है टू इन टू वन इक्वल टू टू अपॉन और मल्टीप्लाई किससे करना है हंड्रेड से ठीक है और मोलर मास क्या है नाइन्टी एट मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से ठीक है तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां से टू पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ठीक है मीन्स एच टू एस ओ फोर में आपकी हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है टू पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ठीक है सेकेंड एलिमेंट क्या है सल्फर ठीक है अगर आपने परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड आउट करनी है ठीक है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ सल्फर मास ऑफ सल्फर ठीक है जो आपका H2SO4 टू एस ओ फोर में प्रेजेंट है ठीक है अपॉन मोलर मास और वीकेंड से मॉलिक्युलर मास ऑफ़ H₂SO₄ ठीक है अब यहाँ से क्या आ जाएगा सल्फर क्या है वन एटम प्रेजेंट है ठीक है वन एटम मिंस 32 आपका इसका क्या है एटॉमिक वेट फिर आपने मोलर मास ऑफ़ H₂SO₄ ये क्या है 98 u ठीक है इनटू मल्टीप्लाई करना है 100 से ठीक है यू से यू कैंसिल हो जाएगा फिर थर्टी टू को आपने डिवाइड करना है नाइन्टी एट से फिर मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से ठीक है तो ये आपके पास आ जाएगा थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट ठीक है मीन्स आपकी जो एस टू एस ओ फोर में सल्फर की कम्पोजिशन क्या है थर्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट ठीक है सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्थ थर्ड कंपाउंड की ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो ऑक्सीजन की कैसे करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम अपॉन मोलर मास ऑफ एच टू एस ओ फोर ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास ऑक्सीजन का क्या है सिक्सटीन यू अपॉन मोलर मास ऑफ एच टू एस ओ फोर क्या है हमारे पास नाइनटी एट यू इन हंड्रेड ठीक है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री जीरो परसेंट मीन्स आपकी जो एच टू एस फोर में ऑक्सीजन की कंपोजिशन है या परसेंटेज है वो क्या है सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री ज़ीरो परसेंट ठीक है तो इस टाइप से हम क्या है किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन उसके कंपाउंड्स में निकाल सकते हैं ठीक है परसेंटेज निकाल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है ठीक है तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है अगर हम एस टू ओ की बात करते हैं ठीक है एस टू ओ का मोलर मास क्या आ जाएगा मोलर मास ठीक है टू इंटू टू हाइड्रोजन प्रेजेंट है वन ऑक्सीजन है तो आपका हाइड्रोजन uh, का क्या होता है वन तो टू प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन ये आ जाएगा टोटल एटीन यू ठीक है अब टू एलिमेंट प्रेजेंट है आपके एच टू ओ में ठीक है एक क्या है अगर हमने फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन की परसेंटेज ठीक है सेकेंड आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे तो हाइड्रोजन का जो मास है ठीक है हाइड्रोजन का मास अपॉन मोलर मास ऑफ एच टू ओ ठीक है एच टू ओ का और ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का मास अपॉन मोलर मास ऑफ एच टू ओ ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाइड्रोजन का तो वन है आपके पास और मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से आपने यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू मॉलिक्यूल्स है आपके हाइड्रोजन के मीन्स टू अपॉन एटीन यू इन टू हंड्रेड ठीक है यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्सटीन यू अपॉन एटीन यू इन टू ड्रेड ठीक है तो ये अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे आ, आ जाएगा आपके पास वन पॉइंट वन समथिंग ठीक है एटीन पॉइंट नाइन परसेंट ठीक है तो तो जो ये है आपका टोटल आ जाएगी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल ठीक है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 11.1 पॉइंट वन और आपकी ऑक्सीजन की कितनी है एट्टी एट पॉइंट नाइन परसेंट ठीक है इस टाइप से हम क्या है रिलेटिव जो आपने परसेंटेज निकालनी है कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की वो इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट ठीक है आपने फाइंड फाइंड आउट करनी है इस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की परसेंटेज ओनली नाइट्रोजन की परसेंटेज ठीक है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट ठीक है तो अगर आप मोलर मास फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपका ठीक है यहाँ पे क्या है वन एटम आपका कैल्शियम का प्रेजेंट है कंपाउंड्स में टू आपके नाइट्रोजन के प्रेजेंट है और थ्री टू जस्ट सिक्स आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंट है ठीक है अगर हम आ, मास की बात करें तो आपका कैल्शियम का फोर्टी प्लस नाइट्रोजन का फोर्टीन ठीक है प्लस सिक्स इंटू सिक्सटीन ठीक है अगर हम इसको टोटल सॉल्व uh, करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन सिक्सटी फोर यू ठीक है तो आपने फाइंड आउट करनी है नाइट्रोजन की परसेंटेज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ठीक है अगर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है आपने क्या है मास ऑफ नाइट्रोजन इन दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट ठीक है तो आपके पास नाइट्रोजन का मास क्या है फोर्टीन टू सेव ट्वेंटी एट यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है आपके पास वन सिक्सटी फोर यू इंटू हंड्रेड ठीक है इंटू हंड्रेड ठीक है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट ज़ीरो सेवन परसेंट ठीक है तो आपका नाइट्रोजन का जो मास है वो कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट में कितना प्रेजेंट है सेवनटीन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट ठीक है रिस्पेक्टिवली अगर आपने कैल्शियम की फाइंड आउट करना है तो आपने मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलिक्यूल मास से डिवाइड कर देना ठीक है चेंज क्या होगा जो भी एलिमेंट्स का आपने क्या है परसेंटेज फाइंड आउट करनी है टोटल से उसको डिवाइड कर देना है ठीक है अगर आपने ऑक्सीजन की निकालनी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एलिमेंट से आपने क्या करना है टोटल मास जो है आपका ठीक है तो उससे डिवाइड करके क्या है आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल जाएगी ठीक है इस टाइप से हम क्या है किसी भी एलिमेंट्स की कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड्स में निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट आपका कंपाउंड्स में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है